नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग रीट में आने वाली रसायन विज्ञान स्टडी कर रही थी। इस रसायन विज्ञान में मैंने आप लोगों को परमाणु के बारे में स्टडी कराया था और हमने ये कहा था कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं। क्या कहा था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। परमाणु अविभाज्य कण है, ही पढ़ा था। लेकिन ये देखा कि जब इस परमाणु या जब भी हम किसी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। किसी चीज से हम आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। मीन्स इस पदार्थ के अंदर या इन परमाणुओं परमाणु जो है उनमें भी कोई मूल कण उपस्थित होते हैं। उनमें भी क्या होते हैं? मूल कण उपस्थित होते हैं। तो आज हम परमाणु के भौतिक कण और उनकी खोज के बारे में स्टडी करेंगे कि परमाणु के भौतिक कण, हमें पता है कि परमाणु के तीन भौतिक कण होते हैं और उनकी खोज के बारे में स्टडी करेंगे कि किन्होंने कैसे कैसे खोजा परमाणु के तीन भौतिक कण। पहला कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण प्रोटॉन और तीसरा कण है न्यूट्रॉन। हम इन तीन कणों के बारे में आज स्टडी करेंगे कि इन तीनों कणों को किसने खोजा, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला और इन तीनों कणों पे किस तरीके का आवेश होता है, इनका कितना द्रव्यमान होता है। क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम्स, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होता है, प्रोटॉनों पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉनों पे कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना है। तो ये आज हम ये सारी बेसिक चीजें आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। चलो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे हम सबसे पहले। सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन थे या इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। कैसे किया? उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली और उस विसर्जन नलिका में एक कांच की विसर्जन नलिका ली इस तरीके से। ये विसर्जन नलिका है कांच की और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? निर्वात पंप लगा दिया। निर्वात पंप लगा दिया मीन्स यहां पे इन गैसेस को इससे बाहर निकाल दिया गया। इन गैसेस को जब इनसे बाहर निकाला गया तो दाब क्या हो गया? यहां पे कम दाब हुआ, मीन्स कम दाब। भाई गैसेस को जब बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आपको आपने पढ़ा होगा कि गैसेस जो है वो फ्री मूव करते हैं, मुक्त अवस्था में गति करते रहते हैं और ये जब दीवार कंटेनर की दीवार से टकराते हैं तो जिस फोर्स से टकराते हैं वो उनका क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब
यहां पे इस वैक्यूम पंप के द्वारा गैसेस को बाहर निकाल दिया गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ये जो नली है विसर्जन नली, इसको कैसा किया, निर्वात, इसके अंदर जो है निर्वात क्रिएट करवाया गया। क्लियर? तो ये जो निर्वात उत्पन्न किया गया, उच्च निर्वात उत्पन्न किया गया और इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाई गई। एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम किया और एक इलेक्ट्रोड को एनोड का काम कराया गया। इसमें दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए दिए, ये कैथोड और ये एनोड इलेक्ट्रोड। और उसके बाद इस विसर्जन नलिका पे जिंक सल्फाइड की एक परत लगाई गई, पर्दा लगाया गया, जिंक सल्फाइड का एक पर्दा लगाया गया और इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया गया, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, नेगेटिव सिरे को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव पोर्शन से जोड़ दिया गया। और इसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया गया, कौन से के, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया और जब हाई वोल्टेज के ऊपर ये देखा गया कि इस नलिका की दीवार से, इस नलिका में कैथोड से कुछ किरणें विसर्जित होती हैं और ये किरणें जो है इस नलिका की दीवार पे जब टकराती हैं, जिसपे क्या लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी हुई है, जब यहां से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। भाई ऐसे तो हमें किरण कैसे पता चलेगी, हमें दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने, इन किरणों को जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर लाया गया और जिंक सल्फाइड का जो नेचर होता है वो होता है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करना। तो जैसे ही ये किरणें इस जिंक सल्फाइड से टकराएंगी तो ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। क्लियर? अब ये तो था एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दोबारा से सुन लो, एक कांच की विसर्जन नलिका ली, ये क्या है, विसर्जन नलिका, इस विसर्जन नलिका में धातु के दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, एक एनोड का काम कर रहा है। इसमें एक वैक्यूम पंप लगा के निर्वात, उच्च निर्वात उत्पन्न कराया गया, क्या उत्पन्न कराया गया, उच्च निर्वात उत्पन्न करवाया गया। और इसको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया गया और उन्होंने देखा कि यहां कैथोड से किरणें निकल के एनोड की ओर जा रही है। और ये बात उनको कैसे पता चली कि एक ये जो किरणें हैं जब इस जिंक सल्फाइड से टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और इन किरणों को उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें, क्योंकि कहां से निकल रही है, ये कैथोड से निकल रही है, इसलिए इन किरणों को क्या नाम दिया गया, कैथोड किरणें दिया गया। और थॉमसन ने इन कैथोड किरणों को ही, जे.जे. थॉमसन ने इन कैथोड किरणों को ही क्या कहा गया, इनसे ये जो किरणें निकल रही हैं इन किरणों का क्या नाम लिया गया, कैथोड किरणें नाम दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विसर्जन नलिका में कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड की तरफ जो किरणें जाती हैं उन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें कहा गया। अब इन किरणों पे कैसा चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कहां से जा रही हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धनावेशित
इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी। तो धनावेश इलेक्ट्रोड की तरफ वही मूव करती हैं जिनमें क्या होता है, ऋणायन होता है। मीन्स कैथोड किरणें कैसी थी, ऋणावेश किरणें थी, ऋणात्मक किरणें थी ये। कैसी किरणें थी, ऋणात्मक किरणें थी, क्योंकि किधर जा रही है ये, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है। भाई अपोजिट आयन की तरफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो ये किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव धनायन की तरफ जा रही है। इसलिए कैथोड किरणें कैसी थी, उन पे कैसा आवेश था, ऋणात्मक आवेश था। और इन किरणों को जे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इन किरणों को जे जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब मैं आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। ये कैथोड किरणें कहां से, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको खुद को ही इनकी प्रॉपर्टी पता होंगी। इन किरणों पे ऋणावेश होता है, ये किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। सीधी रेखा में गमन करेंगी, कहां से जा रही है, ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं। कहां पे जाती हैं, कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, कर रही है जिंक सल्फाइड की परत के ऊपर जब टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये किरणें किसी भी, जब इन किरणों के मार्ग में कोई गैस आ जाए, इन किरणों के मार्ग में गैस आ जाए, या जब ये किरणें गैस से गुजरती हैं तो ये खुद कैसी है, आवेशित, तो उस गैस को भी क्या कर देंगी, आवेशित कर देंगी। जब ये किरणें किसी गैस में से गुजरती हैं तो उस गैस को भी क्या कर देती हैं, आवेशित कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। अगले गुण, अब ये कैसी है, इन पे आवेशित किरणें हैं, ये कैसी किरणें हैं, आवेशित किरणें। और हमें पता है कि जब भी कोई आवेशित, जो भी कोई आवेशित कण होता है, पार्ट होता है, जब वो गति करता है तो यदि मैं उसको चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में ले जाती हूं तो उसका विक्षेपण हो जाता है। वो उसका, जो वो सीधी रेखा में गति कर रहा था, अब उसकी गति का दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। मीन्स ये जो किरणें हैं ये चुंबकीय है, वह विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती है। वैसे तो ये सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन जैसे ही, क्यों, क्योंकि ये जब इन क्षेत्र में रखते हैं तो हमें पता है कि आवेशित जब आयंस मूव करते हैं तो ये आयंस जो हैं वो विपरीत आवेश की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र में भी हमें पता है कि दो पोल्स बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ध्रुव। तो ये जो किरण है आवेशित किरण, इस पे खुद के ऊपर ऋणावेश होता है तो ये धनावेशित ध्रुव की तरफ मूव करती है। तो जैसे इस पे ये लगाया, इसकी दिशा परिवर्तित हो गई और उसी को क्या कहते हैं, विक्षेपित होना कहते हैं। कि जब इनके मार्ग में कुछ भी नहीं आता तब तो ये सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन जब इनके मार्ग में हम इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। अगली बात कि ये जो किरणें हैं ये पदार्थ को भेद सकती हैं, इनमें भेदन क्षमता जो है, पदार्थ की भेदन क्षमता इनमें ज्यादा होती है। किरणें जो हैं वो पदार्थ को भेद सकती हैं। ये था आपके इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, एक कि कैथोड किरणों की पुंज जो है वो कठोर धातुएं जैसे टेंगस्टोन पे जब हम डालते हैं तो एक्स किरणें बनती हैं। क्या कहा मैंने,
ये जो धातुएं कैथोड किरणें हैं, इनको हम किसी कठोर धातु पे जब डालेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि जे.जे. थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन्स की खोज, कौन सी किरणों से हुई? कैथोड किरणों से हुई। कैथोड किरणों से हुई तो कैथोड किरणों पे कैसा आवेश है? ऋणावेश है। कैथोड किरणें कैसे गति करती हैं? सीधी रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणों पे ऋणावेश होगा तो ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगी। ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं कि इसमें कौन सी बात या कौन सा कथन कैथोड किरणों के लिए असत्य है या आपसे सत्य पूछ लिया जाता है। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो वो स्टेटमेंट हमें ध्यान रखने हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं। कैसे याद रखोगे? तो भाई इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होता है और कैथोड पे जो आवेश होता है वो भी ऋणावेश होता है। मीन्स किरणें कहां से निकलेंगी? कैथोड से निकलेंगी। कहां से निकलेंगी? कैथोड से किरणें निकलेंगी। कैथोड से निकलेंगी तो जाएंगी किसकी तरफ? एनोड की ओर तरफ जाएंगी। जब ये आवेशित हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही क्या होंगी? विक्षेपित होंगी। ये बात भी हमें इनसे पता चल गई। सीधी रेखा में गति करती है कहां से कहां? कैथोड से एनोड की ओर। ऋणावेशित होती है पदार्थ को भेद सकती है पदार्थ को भेद सकती है और पदार्थ को भेद सकती है ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है और जब इनके मार्ग में गैस आती है तो गैस को आयनित कर देता। गैस का आयनीकरण कर देती है। क्यों? क्योंकि खुद पे आवेश है तो जैसे जो भी इनके मार्ग में आएगा उसको आवेशित कर देंगी। ये थी कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज। अब आपको हमेशा एक नोट याद रखना है कि जब ये कैथोड किरणों का पुंज किसी धातु, भारी धातु से टकराता है तो एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन। आपको याद रखनी है, नोट लगा के लिख लेना आप कि कैथोड किरणें या किरण पुंज जब भारी धातु जैसे टंगस्टन से जब टकराती है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की? जे.जे. थॉमसन ने की। किन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया?
कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन किरणों पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। देखो, इसके ऊपर मैं 10^31 करूं, मीन्स मैं बहुत बार आगे 0000 लगाऊंगी, तो ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल ही होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं? जीरो ही मान लेते हैं। इसीलिए परमाणु के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो भाग नहीं लेता है या कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और ये जो द्रव्यमान है, ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का, ये बात आपको याद रखनी है, 1837 भाग होती है, 1/1837 भाग होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना भाग होती है? तो आपको याद रखना है, 1/1837 भाग होती है। इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान में योगदान नहीं देता है या भाग नहीं लेता है, केवल परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ही भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान भाग नहीं लेता है। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10^-19 कूलाम, और आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इसको हम यूनिटी ही मान लेते हैं, -1 ही, क्योंकि ये आगे वाली वैल्यूज हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको 1 की फॉर्म में ही लिखते हैं, यूनिटी चार्ज -1 लिखा जाता है। क्लियर यहां तक? अब हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे इलेक्ट्रॉन पढ़ा था वैसे ही अब मैं आपको प्रोटॉन बताऊंगी कि प्रोटॉनों की खोज किसने की, और फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉनों की खोज किसने की, कौन से एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन निकाले गए, और इसमें भी कौन से एक्सपेरिमेंट से, जैसे ये कैथोड किरणों से उत्पन्न हुए थे वैसे ही वहां पे कौन सी किरणों को, या किस कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉनों की खोज की गई, वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।